वही अगस्त का महीना जहां हम लोगों ने बिहार ने करके दिखाया, भाजपा को भगाया और एक बिहार की धरती से पूरे देश भर में संदेश देने का काम किया। जहां भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही थी उसके ऑपरेशन को चकनाचूर बिहार की धरती ने किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सब लोग जिस दिन साथ हुए थे 8-9 अगस्त को पिछले साल, तो एक बात प्रेस मीडिया के सामने हम लोग खुद आकर के कहे थे कि देश में सब लोगों को साथ जोड़ना है। और हम लोगों का पहल जो है रंग लाया, माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी लगातार प्रयास करते रहे, नीतीश जी के साथ हम खुद सभी नेताओं से मिलने गए और सब लोग अग्री हुए कि भाई चलो अब मौका है, हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता जो है हमको माफ नहीं करेगी। और इसी वजह से बीजेपी तभी से, जब से पिछले साल यहाँ से हम लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया, तब से ही बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और बेचैनी है। जाहिर सी बात है होगी कि उनको चुनौती मिल रहा है, जो जनता चाहती थी एक मजबूत विकल्प देने का, वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी हो गई बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी सामूहिक रूप से, सब दल के लोग जो है उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है, कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होना वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों के आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहाँ भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहाँ कब्जा कर लिया जाए, दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है ये तो धीरे धीरे। तो इनके मन में जो बात है वो धीरे धीरे जो है सामने आएंगे। बेकार है, सबसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं चलने वाला। ये तानाशाही प्रकृति, मानसिक प्रकृति जो है ये दिखाता है कि हम ही होंगे तो होंगे, नहीं तो और कोई नहीं होगा, है ना। ये देश हमारा ऐसे तो नहीं चला है कभी, ये देश की खूबसूरती तो है नहीं। अगर एक आदमी के हवाले देना तो हम लोग तो राजा महाराजा से हम लोग को छुटकारा मिला, अंग्रेजों से छुटकारा मिला, केवल मोदी जी के एक आदमी को पूरा सत्ता देने के लिए मिला है क्या? यही 70-75 साल में चाहते थे क्या वो? ये तो बेकार की बात है, एक आदमी के हाथ में दे दीजिए पूरा देश का कमांड, वो क्या करेगा? वन फ्रेंड कौन है सर वो फ्रेंड? लेकिन बीजेपी कह रही है, कौन जान रहा है इसमें क्या बोलना है? आप लोग सब लोग जान रहे हैं, राहुल गांधी ने के गंभीर आरोप लगाया तेजस्वी जी आपको। अब फ्रेंड है पार्टनर है तो सवाल ओपन में है,
चैलेंज रहेगा आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में क्या चैलेंज है? 5 कमेटियां बन गई, क्या चैलेंज है? जो कभी सोचता भी नहीं था बैठेंगे, वो साथ बैठ करके 3-3 मीटिंग करके कमेटी बना रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत है? सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है देश की जो संविधान है, लोकतंत्र है, भाईचारा है, इसको हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। पीस रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी रहेगा।